मोदी सरकार के राज में देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी और बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था की कहानी किसी से नहीं छिपी है। आज ये समस्या देश भर में बहुत ही बुरी तरह फैल चुकी है और जिसमें देश की आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। आपको बता दें कि ये सिर्फ अब हमारे देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में एक अपमानित मुद्दा बन चुका है। आज हमारे देश का हर जगह अपमान किया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेकर द इकोनॉमिस्ट और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय अखबार हमारे देश के बारे में भी कुछ अच्छा नहीं लिख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो लोग पहले हमारे देश को इकोनॉमिक पावर हाउस कहते थे, वहीं आज हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। आखिर क्यों और कौन है इसका जिम्मेदार? खुद भारत की सरकार, सरकार की नीतियां या सरकार को चलाने वाली सबसे बड़ी पार्टी? आप ही सोचिए। हर चीज, छोटी से बड़ी हर चीज के दाम दिन पे दिन आसमान छू रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रातों रात व्यापार बंद होते जा रहे हैं और सरकार अब सरकारी कंपनियों को या तो बंद या फिर प्राइवेट हाथों में सौंपने की पूरी तैयारी कर रही है। यानी कि सरकार प्राइवेटाइजेशन पर ज्यादा जोर दे रही है, जिससे कि सरकारी नौकरियों की भी अब हमारे देश में कमी होती जा रही है। याद कीजिए, मोदी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वे भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन पिछले 6 सालों में ऐसा क्या हो गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ये कहने लगा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुके हैं। यहाँ तक कि भाजपा के चुनाव चिन्ह के साथ एक हेडिंग दी गई है, इनटॉलरेंट इंडिया, यानी कि हमारा भारत देश असहिष्णु हो गया है। द इकोनॉमिस्ट ने इसे अपने कवर पेज पर लगाया है और ये सीधे सीधे भारत का अपमान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जॉर्ज सोरस, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति हैं और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कश्मीर और सीएए जैसे कानून का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने के बाद वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कहां तो भारत को विश्व गुरु बनाने का वादा किया था और कहां दुनिया भर में देश का नाम बदनाम हो रहा है। एक समय भारत को इकोनॉमिक पावर हाउस कहा जा रहा था, वहीं IMF अब ये कह रहा है कि दुनिया में आर्थिक मंदी के लिए 80% भारत ही जिम्मेदार है। यह देश का अपमान नहीं तो और क्या है? अब सोचने वाली बात यह है कि द इकोनॉमिस्ट के द्वारा कही गई बात सच होती है कि क्या मोदी भारत को बचाएंगे या बर्बाद कर देंगे? क्या वाकई में मोदी ने कुछ कदम जैसे कि निजीकरण जैसे फैसले देश की प्रगति के लिए लिए हैं, या प्राइवेट कंपनियों की मिलीभगत के साथ मुनाफे के चलते मोदी सरकार के द्वारा ये कवायद की जा रही है? क्या देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को सुधार कर पुनः मोदी भारत को इकोनॉमिक पावर हाउस का तमगा उतने ही सम्मान के साथ वापस दिला पाएंगे? ये बड़ा सवाल है।